होगा कारण है तो वही होगा। अगर यहाँ पे हमारे तीन लोगों का यूनिट है, ये तीन लोग यूनिट में काम किया जा रहा है यहाँ पर होता है, यहाँ पर हो जाएगा आउट घूम के यहाँ पर बाहर हो जाएगा। आप इसी में हमारी गाड़ी आती है यहाँ पर लगती है, यहाँ पर हमारे कार जब सुपरवाइजर और टीम लगती है, प्रोडक्ट को कैसे उतारना है, उसका मैनुफैक्चर डेट सब एक्सपायरी सब भी होता है। तो हमसे सबसे पहले मैटर यूज करता है तीनों मैटर बस भी फर्स्ट आउट जो पहले बैठ का आएगा वो पहले बैठ का सामान यहाँ पर। गाड़ी आई है कोई अभी तक? हाँ गाड़ी आई है। वो बना रहे हैं। तो देखिए जब कोई भी प्रोडक्ट आता है जैसे लिखा हुआ है रेमंड ब्लू कलर का, तो इसमें हमारे साथ में इसमें रैक नंबर लिखा रहता है कि जैसे हमारे कोई भी पैकर या पिकर हो तो दिक्कत ना हो लेने में, और यहाँ से जो पैक करेंगे मार उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका वो लिखा होता है क्वान्टिटी, कितनी क्वान्टिटी है, एक बॉक्स में कितना है, अपडो का सब पता रहता है, क्लियर रहता है। मेन चीज़ हम डिपेंड करते हैं जो हमारा बैच वाला आइटम है उसके आगे बैच लिखा रहेगा, एक्सपायरी बैच हमें ये देखना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ से उतार के ये हमारी बेल्ट दे रखी कन्वेयर बेल्ट, मैन पावर ज़्यादा ना लग पाए तो हम यहाँ से इसको आगे वहाँ बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है हमारा जो स्पीकर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमारे पास ज़्यादा काम आ जाता है, आपका आपने कोई दस आइटम ऑर्डर किए, आपने कोई दस आइटम ऑर्डर किए, तो उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो, तो उसमें हर एक की लोकेशन लिखी हुई है, वो आएगा पड़ेगा उसमें इन्वॉइस में। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, इन्वॉइस में लिखा रहता है लोकेशन हमारी कौन से रैक में रखी हुई है, वो जाकर तुरंत पिक करके वहाँ से ले आएगा। बाकी हमारा जो भी आइटम है सारा रैक में रखा है, ये वाला है तो ये सारा एक ही सेम बैच का होगा, जो अनदर बैच का होगा हम उसका ही रखते हैं। अच्छा, ये कोई यूज़ ना कर पाए उसे, जब ये पूरा क्लियर हो जाएगा तब नेक्स्ट बैच को स्टार्ट करते हैं हमारा। सर आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं है, कहीं पर भी आपको लगे कुछ पूछने लायक पूछ लीजिए। यहाँ पे हमारा बबल बन रहा है, कोई भी आप लिक्विड आइटम्स ऑर्डर करते हैं तो हम पहले इसको रैपिंग करते हैं, यहाँ पे जाकर हमारे सिंपल नॉर्मल बबल रहता है, क्लियर भी रहता है क्लियर होते हैं। तो इसमें जो हमारा टीम मेम्बर होता है कितनी एयर कितना टेम्परेचर कितनी स्पीड बना रहे हैं वो बंदे पर डिपेंड करता है वो कैसे बना रहा है। उसके बाद सेम रहता है इसको हम इसमें एयर दे के बनाते हैं, कोई भी आप लिक्विड आइटम मंगवाए उसमें डैमेज ना हो, खाली खाली जगह रह जाती है फिल करने के लिए उसको एयर उसमें रखी रहती है। नॉर्मल आइटम आ गया साइड में स्पेस बच रहा है उसको गैप फिल करने के लिए बनाया जाता है, पहले सारे लिक्विड आइटम ज़्यादा डैमेज हो जाते थे तो उसके प्रॉब्लम ज़्यादा होने मिलता है। अब मैंने हम इनवॉइस कैसे करते हैं, अभी हम जैसे आपने ऑर्डर किया है तो इसमें जो आपके आइटम है सारे लिखे रहेंगे, प्लस मैंने आपको बताया रैक रहता लिखा हुआ, हर एक रैक का नाम दिन लोकेशन रहेगी। अब जैसे हमारा ये है नोनी प्रो सिरप है, इसकी रैक भी हुई है, जो भी हमारा पिकर जाएगा तुरंत पिक करके ले आएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें सब ऑर्डर बड़े बड़े आ जाते हैं, कोई 10 आइटम मंगाता है कोई 20 मंगाता है तो इसमें टाइम लग जाता है, हमें भी टारगेट उसी बेस में मिलता है। अब इसमें ऐसा है सर, अभी आपने देख लिया कि हमने पिकिंग विकिंग कर ली, अपना हमारा चेकिंग का कि कई बार पहले गलती आ जाती है, कभी कम आता था सामान कभी ज़्यादा आता था, तो इसलिए ऐसे पहले कंप्यूटराइज चेक होता है हमारा। ये रही पीछे ले लें, अगर हमारा प्रोसेस है जैसे पिकिंग करके बंदा लाता है वो तो अपने अकॉर्डिंग सही लिया है, कभी बार ऊपर नीचे हो जाए तो हम ट्रॉली एक्सचेंज करते हैं हमेशा, कोई भी आइटम अगर एक्स्ट्रा हो तो पता चल जाएगा इसमें एक्स्ट्रा पड़ा होगा। जैसे हमने स्कैन मारा सारे रेड रेड आ रहे थे, अब इसमें जो आइटम ओके होगा वही ग्रीन होगा, बाकी कोई ग्रीन नहीं होगा। देखा गलती हो रही है पर चांस ही नहीं भाई। देखिए बैच आइटम है उसमें दे रखा है, ये है 031 का बैच है, 031 24 का, तो बैच अकॉर्डिंग ही चलेगा। अभी तक तो मैंने सही आइटम डाला है, मान लो मैं गलत डाल देता हूँ उसमें, मैं सोप डाल देता हूँ गोट मिल्क को, मेरी बैच है ऑटोमेटिकली ले रहे हैं।
पूरा ग्रीन हो गया। अभी ये दूसरा प्रोसेस है चेकिंग का, अब तीसरा है हमारा जो सुपरवाइजर रहेगा वो आपको चेक करके बताएगा उसके आगे फिर प्रोसेस कैसे होगा। चंदन चंदन अभी ये होटल से सुनिएगा, कुछ भी होगा आपने वहाँ पे देख लिया सिस्टम के तरीके से चेक हुआ, लड़का लेके गया वहाँ पे सिस्टम से स्कैन होते यहाँ पे ठीक। आप देख सकते हैं मेरे साइड में वो जो ट्रॉली आई है वहाँ से पास होकर फिर एक खाली ट्रॉली है, अब मेरे को मिला है एक इनवॉइस और उसके ऊपर शिपमेंट लेवल, अब इन दोनों को मैं चेक करूँगा, इन दोनों में मैं चेक करूँगा डिटेल ऑर्डर नंबर कि दोनों का सेम है या नहीं है, डॉकर नंबर फिर चेक करूँगा मैं, उसके बाद हम आइटम चेक करेंगे कि इस इनवॉइस में चेक क्या है। ये हमारा आइटम चेक हो गया कि इनवॉइस के अकॉर्डिंग ये आइटम ओके है, अब मैंने चेक कर लिया, अपने टीम का साइन कर दूंगा और आगे पैकिंग के लिए मैं भेज दूंगा। अब इसमें से टीम में क्या है, टीम पेयर बन जाता है यहाँ पे, ज़्यादा दो बंदे तो जो ये पैक करेगा वो आगे देगा, ये ओनली पैकिंग करते हैं अपना दिमाग लगाते हैं, माइंड सेट करते हैं कि हमें कैबेज को पैक करना है, आगे वाला बंदा है वो अपना माइंड सेट करता है कि उसको कौन सी पॉली बैग में चढ़ाना है, क्योंकि पॉली बैग भी हमारी अलग अलग साइज की, कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो वहाँ पर भी इसका अपना मैं अपना दिमाग लगाता है कि कैसे करना है आगे उसको प्रोसेस कैसे करना है। हमारा सबसे छोटा प्रोटेक्ट है मेल पॉली, अगर मेल पॉली भी नहीं होगी तो फिर भी अपने पॉली बच जाए, पास हुआ तो ग्रीन नहीं हो तो रेड नहीं, कभी कभी क्या होता है आइटम उसमें होता है हमारा जैसे जो बॉक्सेस होते हैं ना, बॉक्सेस का वेट ज़्यादा हो जाता है उसमें भी एरर आ जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पे टीम मेंबर रहेगा वो खोल के चेक करेगा उसमें सही माल है कि नहीं है, कहीं पे भी गलत भी हो सकता है, यानी ये मेल पॉलिस भी अगर ज़्यादा चाहिए तो आगे आ जाओ आपने इधर काम किया था, इसमें थोड़ा मैंने आपको जो आपका ऑर्डर किया था इतना वेट है ठीक है, और इसमें कुछ और सामान है इसका वेट कुछ और है, अगर बाई चांस मैं आपको ये शिपमेंट लेवल से इससे स्कैन मारता हूँ और गलत सामान भेज देता हूँ तो ये एरर बता दूँगा। क्यों एरर हुआ, क्योंकि उसका वेट इश्यू आ गया, जो आपका आइटम है वो है नहीं, ये सही वाला है, अगर हम इसको भेजते हैं अगर इसमें कोई इश्यू हुआ अगर बॉक्स हो तो ये कैरन बजेगा वरना नहीं बजेगा, पास हो जाएगा, ये पास हो ये आपका एक्यूरेट था, तो यहाँ पे भी गलती के कोई चांसेस नहीं होगा, चौथी जगह से भी हुआ सुपरवाइजर क्या होता है फिर ये फाइनल मशीन क्या होता है। अब आगे हमारी डिस्पैच की बारी है, मैंने आपको बताया था ना तीन लोग हैं, स्टार्टिंग वहाँ पे होती है एंड यहीं पे होता है, अब इसमें क्या है जो आपका आइटम होगा हम उसकी पूरे थ्रू हम स्कैन मारेंगे, अगर मान लो आपका DDDC का है वो हमें पता रहता है हम स्कैन मारेंगे तो जैसे स्कैन सक्सेसफुली हो जाएगा इसमें ग्रीन कलर आ जाएगा, आपको मैसेज चला जाएगा कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच हो गया, तो आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, डब्बा हटाना पड़ेगा या ना सर्फेस DDDC मारते बस खाली कंपनी का
शुरुआत हुई थी। 24 साल सेफ शॉप को काम करते हुए आगे बढ़ते हुए हो चुके हैं। कोरोना के टाइम हमने यहाँ पर जो हमारे बामरोली में जो वेयरहाउस हमारे जो हुए हैं यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। एक हमारे बामरोली में डिस्पैच सेंटर है और दूसरा हमारा स्टॉक बेस्ड वेयरहाउस है। यहाँ पर हमेशा हम 1.5 से 2 महीने का स्टॉक हमेशा अवेलेबल रखते हैं, कहीं कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू ना हो पाए। तो मेनली जो हमारे यहाँ जो हमारे वेयरहाउस दो हैं यहाँ पर उनका 55,000 square feet का लगभग हमारा एरिया यहाँ पर दोनों वेयरहाउस का। और इसमें जो यहाँ स्टॉक बेस में जो वर्किंग होती है मेन, एक तो हमारा ये होता है कि इनवर्ड और आउटवर्ड का मेन यही आइटम वेंडर से हमारे पास आती है और जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिस्पैच सेंटर में डिलीवरी से भेजते रहते हैं। एक यहाँ पर जो QC टीम अंडर परचेज डिपार्टमेंट QC होती है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट का लगभग हम अब यहाँ पर QC करते हैं। स्टार्टिंग की थी साड़ी से, पर लगभग आप जीन्स, लगेज, बर्तन, लगभग लगभग हर चीज़ की आप QC होती है, ताकि क्लाइंट को जब भी पैकेज मिले तो 100% एक्यूरेट ओके आइटम मिले, कोई डैमेज ना मिल पाए कि मुझे साड़ी में ये धागा खींचा हुआ था, फटी हुई थी, या लगेज में ऐसा मिला हो। आपने देखा होगा कि आपकी शिकायतें लगभग तो ना के बराबर हो चुकी है, आपको जो भी प्रोडक्ट मिलता है 100% ओके ही मिलता है। पहले थोड़ा चुनने टूनने से आता था ना, अब नहीं आता। रिटर्न डिपार्टमेंट RTO डिपार्टमेंट, RTO में से रिटर्न टू ओरिजिन, यहाँ पर इस पर भी वर्किंग होती है कि जो प्रोडक्ट आपने देखो डिस्पैच सेंटर से जाते हैं तो उनमें से कुछ रेयर पैकेज हमारे पास रिटर्न भी आते हैं या आप लोग भी भेजते हो, उस पर भी वहाँ पर वर्किंग होती है। तो मेनली 3 वर्किंग यहाँ पर होती है, स्टॉक बेस में इन आउट, QC और साथ में RTO। तो किसी AC का एक बार जर्नी आपको बताता हूँ कैसे कैसे हमारा इनवर्ड होता है, कैसे आउटवर्ड होता है, कैसे RTO QC टीम वर्क करती है। आइए जैसे हमारा सबसे पहले तो जब हमारे पास कोई भी आइटम आती है तो हम पहले इशू करते हैं कि जो हमारे पास आइटम आ रही है परचेज टीम ने इसका ऑर्डरिंग हम की भी या नहीं की। होता ही है कि 100% की ऑर्डरिंग होती है, फिर हम चेक करा के दैन ही उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको चेक भी करते हैं कि क्वालिटी ओके है नहीं है, जो जो इसका MRP है, डिटेल कोड है, या तो चीज़ चेक करके और दैन उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे अपर में फ्लोर है और यहाँ पर ही ग्राउंड में हम वही आइटम रखते हैं जैसे कि जिसका हैवी वेट होती है और जो फास्ट मूविंग आइटम होती है। अच्छा, अब जैसे फास्ट मूविंग आइटम फुट पॉप है, सूट पैंट है और ये सब चीज़ें फास्ट मूविंग है हमारी। हाँ, इसका ज़्यादा। हाँ, और जिसकी थोड़ा वेट कम, मतलब वेट जिसके स्लो मोशन थोड़े मूवमेंट थोड़ी कम है या फिर जिनका वेट कम है वो हम अपर फ्लोर में रखते हैं। जो भी आइटम जो सेग्रीगेट अलग अलग रखी जाती है कलर वाइज भी, तो हर चीज़ का वहाँ पर 4-5 स्टेप में, जैसे आपने देखा भी होगा वहाँ पे कि हर पहले टीचर एक आइटम को लेके आता है, वो भी चेक करता है, फिर सुपरवाइजर भी चेक करता है, फिर उसकी सिस्ट कंप्यूटराइज भी चेक होता है, फिर उसको फैलकन मशीन है उससे भी इसको निकाला जाता है, वहाँ भी चेक होता है। तो फिर भी हम हर तरीके से यहाँ पर पहले डिटेल करते हैं, कलर वाइज सब चीज़ें अलग अलग लगा के रखते हैं, तभी कोई यहाँ से भी कोई मिक्सअप होने के चांस ना रहे। अलग अलग रोक में रखी है, ब्लैक है तो ब्लैक अलग, ब्लू अलग, हर चीज़ का साथ अलग अलग सेक्शन है। तो उसी की जो लोकेशन हमने डिफाइन की हुई है वहीं पर हम आइटम को लगाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर सारे जितने भी आइटम लगी है कंज्यूमेबल आइटम है सारी, सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है, जैसे कि डायबैक है, घी, लोनी और जिन टाइप की आइटम है, लगभग हमारा आइटम है जो ऐसे की ऐसी कंज्यूमेबल आइटम हमारे पास, उनके चेक किया जाता है कि हमने जैसे ऑर्डरिंग किया वही आइटम हमारे पास वही होते हैं। तो जो हमने ऑर्डरिंग की है ब्लैक की वही ब्लैक प्रॉपर मिल रहा, नहीं मिल रहा हमें कोई चेंज तो नहीं है, या बाई चांस कोई गलती से पैकिंग में अंदर बाहर कुछ हो गया है, अंदर से ब्लैक में ब्लू तो नहीं निकल रहा, ये सब चीज़ें चेक होती है, दैन इसको हम डिस्पैच करते हैं। क्लियर हो रहा है ना? यस, बहुत बढ़िया। यहाँ पर रिजेक्ट सेक्शन है, जैसे QC हो जाने के बाद जो आइटम हमें रिजेक्ट मिलती है ना उसको डेली बेस पर ट्रांसफर करते हैं हम रिजेक्ट सेक्शन में, और उसको वीक टू वीक उसको इसका एक डेबिट नोट बना के वेंडर को वापस कर देते हैं। अच्छा, ये हमारे पैकिंग सेक्शन है यहाँ पर सारा। ओके, अति यानी एक बार ऊपर राउंड लेके फिर आप उधर पीछे हमारे उधर होती है और साथ में RTO सेक्शन है, एक बार ऊपर होकर फिर आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर थोड़े शुरू उम्र से यहाँ पर इसका वेट जिसका आइटम का कम होता है वो वहाँ पर ऊपर अपर फ्लोर में रखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे मोस्टली जीन्स या फिर शूज़ या फिर ट्रैक सूट,
मेन आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ही दिखाई देंगे, बाकी आइटम तो और भी हैं वो दिखाऊंगा आपको, पर मेनली है यहाँ पर एक ही चीज़ है। ये सारी चीज़ इतनी ये सारी ग्रेडों की चीज़ है यहाँ पर, ये भी सारी सारी कलर और साइज वाइज अलग अलग रखी हुई है, कहीं तक कोई मिक्सअप ना हो। ये पिन कार्ड भी अपडेट करते हैं, कब से आई, कितना क्या गया, जो फिजिकली एक्टिविटी होती है, बाकी सिस्टम कंप्यूटराइज। ऐसे कोई आइटम ऐसे जाएगी, एक ट्रांसफर चालान बनता है, रजिस्टर में नोट होता है, ट्रांसफर चालान बनता है, उसकी चेक किया जाता है, फिर उसको हम ट्रांसफर करते हैं डेली बेस पे। जो हमारा स्टाफ होता है बस इसको पिक करता है, तो ट्रॉली पर रखता है, आज के लोगों तक लगा दिया जाता है। मैन पावर की खपत तो थोड़ा, मतलब अगर मैन वैसे करते रहेंगे मैनुअली वर्क तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये चीज़ें वो डेली ड्यूटी कवर करेंगे।